I'm super excited to binge watch all my favorite movies and more. Subscribe to Shimaru Me. मेरे काले बबुआ सबको देख लूंगा देख लूंगा सबको. रंजीत सिंह, कीमती महलों में रहकर गरीबों की इज्जत सस्ती दिखाई देती है. शराफत से चले जाओ. अगर इन गरीबों ने शराफत छोड़ दी तो तुम जैसे अमीरों की इज्जत इन्हीं के पैरों तले रौंदी जाएगी, समझे? इसका फैसला दरबार में होगा. जाने भी दीजिए मामा जी. जब मुझे अपने भाई से कोई शिकायत नहीं तो इतनी सी बात के लिए इसे इतनी बड़ी सजा क्यों दे? नहीं नहीं राजकुमार, ये जरा सी बात नहीं है. इस हराम को अपने आप हमला जो हमारी रियासत के कल के आने वाले सूरज की तरह है, जिनसे हमारी इतनी उम्मीदें वाबस्ता है. अगर आपको कहीं कुछ हो जाता तो हमारी दुनिया में हमेशा की याद आ जाता. राजकुमार आप देख रहे हैं दलित नाकाम इंसान को जो आज तक राजकुमार के बजे से डरों में करता रहा. आज आज इसकी इतनी हिम्मत हो गई इसने राजकुमार वीर सिंह की जान लेना चाहिए. डरियो आप सब लोग गवाह रहना और इतिहास में मेरा नाम सुनहरी हरूप से लिखना कि मैंने कानून को जिंदा रखने के लिए अपने बेटे की जान की परवाह नहीं की. रामपुर बहुत बहादुर बनता था, मैं तो ये देखता हूँ तो मेरे तन बदन में आग लग जाती है और आज आग में तेरे खून से बुझाऊंगा. पिताजी मत क्या मुझे पिताजी, मेरा बेटा नहीं किसी नीचे कमीने आदमी की औलाद है. हम जलील कमीने जाओ, इसने हमारे बेटे राजकुमार की जान लेना चाहिए है. हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे. लेकिन आप नहीं जाएंगे, वीर सिंह हमारा बेटा नहीं है. हाँ वीर सिंह रानी का बेटा है और रंजीत हमारा. मैं दूसरे आप बच्चे दोबारा बदल दिए थे. अच्छा मुझे ऐसा ना कहो बेटे. बेटे मैं तो किसी नीच कमीने की औलाद हूँ ना, जिसे देखते ही आपके तन बदन में आग लग जाती है. जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ बेटे. अब कह रहे हो भूल जाओ बेटे, तुमने किए क्या पर पानी फेर दिया है. जाओ खड़े खड़े मेरा मुंह का देख रही हो. हमारे बेटे के लिए पिस्ते बादाम का दूध लाओ. अरे जाओ जाओ ना. जी जी बेटा, सारा उल्टा चक्कर तेरी माँ ने चला दिया है. अगर अगर वो उस दिन बच्चे ना बदल देती वीर सिंह के लिए तुम रियासत के राजकुमार कल के आने वाले महाराज होते. महाराज कल का आने वाला महाराज? आप क्या समझते हैं कि अब मैं महाराज नहीं बन सकता? माँ और बेटे सिर्फ दोनों को ही तो रास्ते से हटाना है. बेटे हमारे दुश्मन दो नहीं है, तीन है. तीन. तीसरा कौन? धर्म सिंह लोहार. वो वीर सिंह की ढाल है और जब तक ये ढाल रहेगी हमारे सब वार बेकार जाएंगे. क्षमा कीजिए महाराज, इस वक्त राजकुमारी सो रही है. उन्हें उठाओ और उनसे कहो कि उनके सपनों का राजा आया. मैं उन्हें नहीं उठा सकती. तो ठीक है उन्हें हम उठाएंगे. हटाओ राजकुमारी. ये क्या, हम जाग रहे हैं और आप सो रही हैं? ऐसी चांदी रात में आशिक माशूक की आंखों में आंखें डालकर एक दूसरे में खो जाते हैं, सो नहीं जाते. उठिए चलिए हमारे साथ, आज हम आपको अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाएंगे, अपनी बाजों में मचलती हुई ताकत के नमूने पेश करेंगे. उठिए राजकुमारी, उठिए ना, उठिए ना. सिंह अभी भी वक्त है, समझ जाओ.
वरना राजगद्दी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। क्यों, क्या हुआ? बहुत कुछ हो गया। अगर यही हालत रही तो उस लोहार के बच्चे से पल्लवी की शादी हो जाएगी। लेकिन ये नामुमकिन। नामुमकिन तो तुमको राजगद्दी का मिलना भी है, लेकिन उसको मुमकिन सिर्फ हम बना सकते हैं, वो भी तब जब पल्लवी की शादी हमसे हो जाए। अगर उस लोहार के बच्चे ने पल्लवी से शादी कर ली तो जानते हो वो यहां का राजा होगा और तुम उसके पांव की धूल। ये कभी नहीं हो सकता। हम अभी जाकर उससे मिलते हैं। किससे? उससे या उसके पुतले से? क्या मतलब? इस वक्त वो उस लोहार के बच्चे को कबीले का सरदार बनने की मुबारकबाद देने गई होगी, समझे? बच्चे, मुंह संभाल के बात करो। इस वक्त तुम इस कबीले के सरदार से बात कर रहे हो। हमारी मंगेतर कहाँ है? भाग गई। एक औरत तो तुमसे संभाल ही नहीं जाती, इतनी बड़ी रियासत क्या खाक संभालोगे? तुम उसे भगा कर लाए हो। बहादुर ना तो खुद भागते हैं और ना किसी को भगा कर ले जाते हैं। हाँ, जो चीज पसंद आ जाए मां कसम उसे भरी सभा से उठा कर ले जाते हैं। हम यहाँ की तलाशी लेना चाहते हैं। शौक से लीजिए। जल्दी कर बेटा, जल्दी कर। गधे की आज 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 To watch more of Bollywood entertainment, subscribe to Shimaru Me Now.